माईचर, मैं हूँ आपकी दोस्त श्रुति गुप्ता। दोस्तों, आप सभी जानते हो कि बाहर एक बीमारी है जिसका नाम कोरोना है, जिसकी वजह से हम सब घर में बंद हैं, अपने घर में बैठे हुए हैं। लेकिन कुछ सामान हमारे घर का डेली का होता है, जो रोज़ाना हमारे घर में आता है बाहर से, जिसकी वजह से कोरोना बीमारी हमारे घर में आ सकती है। इसलिए उन सारे सामान को सैनिटाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको घर के सामानों को सैनिटाइज करने का तरीका बताने वाली हूँ। ये सैनिटाइज करने का तरीका हमारी जो किचन में सामान होता है, जैसे दूध के पैकेट हैं, मट्ठे के पैकेट हैं, दही है, फ्रूट है, सब्जियां हैं, उनको सैनिटाइज करने का बहुत ही सिंपल तरीका आपको बताऊंगी। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है, इसलिए पूरा देखना, इसके मत करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना, और फर्स्ट टाइम आए हो मेरे चैनल पर तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप अपने सामान के अकॉर्डिंग पानी ले लीजिए, और इस पानी में सारी सब्जियाँ, सारे फल और पैकेट बंद सामान, जैसे दूध, दही, मट्ठा आता है रोज़ाना हमारे घर में, उसे इस पानी में भिगो दीजिए। अब मैं इस पानी में ऐड करने वाली हूँ, डालने वाली हूँ सिरका। जी हाँ दोस्तों, सिरका, यहाँ पे मैंने काले सिरके का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास वाइट विनेगर है तो उसका भी यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पर एक ढक्कन सिरका डालूँगी, 1 से 2 ढक्कन आप डाल सकते हो। अब इस सिरके के पानी में अच्छी तरह से अपने सारे पैकेट्स, अपने फल और सब्जियां भिगो दें। सिरका बहुत ही इफेक्टिव होता है सारे बैक्टीरिया को किल करने में। दोस्तों, आधे घंटे के लिए हम इसी तरह सब्जियों को भीगा रहने देंगे। दोस्तों, आपके घर में जो पैकेट बंद सामान आता है रोज़ाना, जैसे दूध, दही, मट्ठा, उसे आप डिटर्जेंट में भी धुल सकते हो। बस साफ़ पानी लीजिए, उसमें थोड़ा डिटर्जेंट डालिए, और जो आपके पास पैकेट होगी दूध, दही, मट्ठे की, या कोई भी पैकेट बंद सामान आता है, जैसे घर में मैदा वगैरह आता है, उसको भी भिगो दीजिए 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद आपको अच्छे से रगड़ के पैकेट को साफ़ करना है। जी हाँ, और फिर साफ पानी से इस पैकेट को धुल दीजिए। दोस्तों, अच्छे से धुलिएगा, इस तरह आपके पैकेट के सारे बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे। आधा घंटे बाद अपने सिरके में भीगी हुई सब्जियां भी और जो भी हमने सामान भिगोया था उसे धुल लेंगे। साफ पानी में धुलना है, अच्छी तरह से रगड़ने के बाद साफ पानी में डाल दीजिए, ताकि उसके उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया, वायरस या और गंदगी हो, धूल मिट्टी, वो भी धुल जाए। दोस्तों, यहाँ पर मैंने सिरके का इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो नमक, सोडा, डिटॉल या डिटर्जेंट का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन सब्जियों के साथ आप डिटर्जेंट का इस्तेमाल ना करें तो ही बेहतर है, खासकर फल और सब्जियों के साथ। ठीक है, इस तरह आप सारे सब्जियों को धुल लेंगे साफ पानी से एक बार। अब सब्जियों को, फलों को एक साफ बर्तन में निकाल कर रख लेंगे। दोस्तों, ये तो सब्जियां और हम पैकेट बंद सामान की धुलने की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ सामान हम धुल नहीं सकते। उस तरह के सामान को क्या करना है, आपको क्या करना है, जब भी वो सामान है तो एक जगह सुरक्षित रख दीजिए। लगभग 12 से 14 घंटे आपको उसे टच नहीं करना, जितना देर हो सके टच ना करिए। अगर हम उस सामान को टच नहीं करते हैं तो जो वायरस होता है वो अपने आप खत्म हो जाता है। करती हूँ कि आज का ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार होगा, आपके फैमिली और आपके स्वास्थ्य के लिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक एंड शेयर करना, और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसा कोई तरीका है जिससे आप अपने घर के सामान, किचन के सामान को सैनिटाइज करते हो, वो मेरे साथ, मेरे व्यूवर्स के साथ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर करना। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना, और दोस्तों, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो, बगल में लगी घंटी बजा दो, घंटी के साथ आता है ऑल का बटन, उसे भी क्लिक कर देना, ताकि आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।